मैं छत्रानी स्वर्णकार महामंच ने सोने भवन में मनाया रंग पंचमी महोत्सव। राधा कृष्ण के साथ घूमर पर जमकर थिरकी महिलाएं, रंग गुलाल लगाकर फूलों से खेली होली। मैड़ छत्राणी स्वर्णकार महामंच द्वारा दुर्ग के सोनी भवन में रंग पंचमी महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत राधा कृष्ण के विवाह से प्रारंभ हुई और राधा कृष्ण के लिबास में पहुंची महिलाओं का विवाह संपन्न कराकर रंग पंचमी की खुशियां मनाई गई। इस मौके पर मैड छत्री स्वर्णकार समाज की महिलाएं अपने पारंपरिक लिबास में कार्यक्रम में शामिल हुई और राधा कृष्ण के साथ फाग गीत गाते हुए और फूलों की होली खेलकर नाचते गाते हुए अपनी खुशियों का इजहार किया। इस आयोजन में नन्हे बच्चों को भी राधा कृष्ण की तरह सजा धजा कर झूले पर बैठाया गया और पूरे उत्साह और उमंग के साथ राधा कृष्ण की अटूट जोड़ी को याद करते हुए रंग पंचमी की खुशियां मनाई गई। राजस्थानी लिबास में भी 16 श्रृंगार के साथ राधा कृष्ण के संग घूमर नृत्य करती महिलाओं से कुछ देर के लिए वृंदावन सा माहौल नजर आया, जिसमें बच्चे व बुजुर्ग महिलाएं भी राधा कृष्ण के रंग में सराबोर नजर आई। इस संबंध में न्यूज टीम को समाज की महिलाओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी। आभारी हूँ जिन्होंने इसे वापस से नए कार्यक्रम शुरू किए हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। समाज की तरफ से होली उत्सव मनाने जा रहे हैं, जिसमें कि हम बड़े धूमधाम से सभी महिलाएं बहुत खुश है और बहुत ही आनंद पूर्वक हम ये मनाने जा रहे हैं होली उत्सव का प्रोग्राम। इसमें हम बहुत सारे आयोजन करने वाले हैं, जैसे होली उत्सव, फाग गीत और हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन भी करने वाले हैं। आने वाले दिनों में जो हमने कुछ पार्टिसिपेट कराया था, कॉम्पिटिशन कराया था, तो उसके प्राइज भी देंगे। हम अपने बड़ों का सम्मान भी करने वाले हैं कि उनके आशीर्वाद से ही हमें सब कुछ करने मिल रहा है। पंचमी के दिन किया जा रहा है और छत्तीसगढ़ जो है ये जस्ट लाइक राजस्थान है कि जिस तरह राजस्थान में घूंघट प्रथा है वैसे ही छत्तीसगढ़ में ये घूंघट प्रथा भी है, मगर इस घूंघट प्रथा के अंतर्गत इन महिलाओं का ये जो आयोजन किया जा रहा है और जिस आयोजन में इतनी सुंदर दिखाई दे रहे हैं और इतना बड़ा सुंदर भव्य आयोजन किया है, इनकी सफलता के पीछे पुरुषों का हाथ है। हर कामयाब इस पुरुष के पीछे किसी स्त्री का होता है, मगर आज इस महिलाओं के पीछे इनके पुरुषों का हाथ है। अगर इनके पुरुष आज इनको आज़ादी नहीं देते और घर से बाहर नहीं निकालते या परमिशन नहीं देते तो आज ये आयोजन संभव नहीं था। बहरहाल आयोजन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।